नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत सिंह, आप देखिए माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट स्टेटस के बारे में कि वो बेसिकली कब शो होगा, और आपकी रिसिप्ट के बारे में जो आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो उसकी रिसिप्ट आपको कैसे मिलेगी, और क्या प्रोसेस है फर्दर कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया बट आपको कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि जो लास्ट डेट है आपकी असाइनमेंट सबमिशन की वो आपकी 15 जून है, ठीक है। तो वो एमए और PGDSS के लिए जो प्रोग्राम कोड है उनकी सबके लिए सेम है, ठीक है, 15 जून, ओके, जो लास्ट डेट है आपकी। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि यार जो आपका असाइनमेंट स्टेटस आप जब चेक करते हैं न्यू की साइट पर तो वो कितने दिन में अपडेट होता है। तो आपके मन में, काफ़ी सारी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन था, मुझे व्हाट्सएप पर बहुत बार ये सेम क्वेश्चन मुझे मिला है, ठीक है। तो जो असाइनमेंट सबमिशन होता है, बेसिकली आपने सबमिट कर दी, अब की बार क्या किया है, ऑनलाइन किए हैं। वैसे आपके स्टडी सेंटर या RC पर आप लोग सबमिट करते थे, तो जो आपने ऑनलाइन किए हैं तो आप देखेंगे 15 जून आपकी जो लास्ट डेट है इसके 20 और 25 डेज़ के बाद में, मीन्स कि 15 जून के बाद, यानी कि अगर देखें तो July 10, ठीक है, अराउंड 10 जुलाई तक हम देखेंगे कि हमारे जो असाइनमेंट के सबमिशन का स्टेटस है वो शो होने लगेगा, ठीक है। और ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस तब शो होता है जब आपकी जो कॉपियाज हैं, जो आपने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वो चेक हो जाते हैं, उनके मार्क्स लग जाते हैं और अपडेट अपलोड कर दिए जाते हैं RC की साइट पर, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, जिस कारण आपको एक एडवाइस दी जाती है, जब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका बेसिकली जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो बेसिकली फरवरी और मार्च में आपके निकलता है एग्ज़ाम फॉर्म का, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म की भी डेट 15 जून कर दी गई है, आप सभी को कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे आता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए या नहीं। अब देखो, आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वहाँ पे ऐसा यस या नो का ऑप्शन आता है। अगर आपने कर दिए तो यस कर दीजिए, नहीं भी किए तब भी यस ही करना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो आप फॉर्म आगे फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यस करना होता है, चाहे आपने सबमिट किए हों या ना किए हों, ठीक है। लेकिन सबमिट करना इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले सबमिट करने, बाद में कर सकते हो, क्योंकि जो अपडेट का स्टेटस है वो आपके जब लास्ट डेट होती है सबमिशन की उसके 20 से 25 दिन के बाद में शो होता है, ठीक है, अपलोड होता है। तो इस कारण आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो फॉर्म है वो पहले ही फिल कर सकते हैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले, ठीक है। बात करते हैं किसी बच्चे का 15 से 20 दिन के बाद भी शो नहीं होता, लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी शो नहीं होता, तो उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए उसे। तो यार, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए आपको RC की साइट, इसके लिए RC पर जाना पड़ेगा, उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटोकॉपी आपकी असाइनमेंट की, और जो आपको जैसे ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें उसमें क्या होता था, अब जब आप स्टडी सेंटर पर सबमिट करते थे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती थी और फिर HOD की साइन होते थे, वो सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट अभी के टाइम पे अगर बात करें तो आपके लिए क्या मेन चीज़ है, जो आपने मेल सबमिट किया है तो जो आपका सबमिशन का सक्सेसफुल मेल है वही आपकी एज ए रिसिप्ट है। अगर आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग आप जो मेल है उसको लेके जाइए RC पर, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जाएंगी, ठीक है। आपको किसी स्पेसिफिक रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं है, जो आपका सबमिशन का मेल है ना, ईमेल जो आपने ईमेल किया था वही आपका एज ए कन्फर्मेशन रिसिप्ट है, ठीक है। तो ये थी बात इसके रिगार्डिंग। आई होप गाइस आप लोग को ये बात समझ आई होगी कि जो आपका असाइनमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, चेक होने के बाद में अपडेट होने में टाइम लगता है, जिस कारण आपको अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग और भी बची हैं या कोई और फर्दर क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपने चैनल का लिंक भी दे दूंगा जो टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसमें हम जो भी बच्चों की क्वेरीज होती हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं, आप उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इग्नू से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, आप उसमें पूछ सकते हैं, असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको सारे ही मिल जाएंगे, इसमें डेली अपडेट मिलती रहती है क्लासेस के रिगार्डिंग। तो गाइस मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।